दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के स्टूडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका OMPL में होने वाली अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। और OMPL में जो ये अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है 2020, ये ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या है कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी होने वाली है। तो OMPL का अगर आपने आज नाम पहली बार सुना, क्योंकि मैंने पहली बार आज क्या है कि नाम सुना OMPL का, तो OMPL की फुल फॉर्म है आपकी ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। शॉर्ट में उसको हम क्या है कि OMPL कहते हैं, यानी कि ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो OMPL जो आपकी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है कि कंपनी है, यानी एंटरप्राइज है। और इसको ONGC और साथ साथ में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MRPL, यानी ONGC और MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, दोनों ही मिलकर क्या है कि इसको करते हैं आपका प्रमोट। तो ये तो बात हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि OMPL के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अप्रेंटिसेस क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी होने वाली है। तो इसमें जाके दो तरह की पोस्ट है, पहली तो आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग और दूसरी आपकी होगी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ग्रेजुएशन वाली ऑफकोर्स ग्रेजुएशन वालों के लिए है और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो है क्या है आपकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में बढ़ूं आगे, मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन का आइडिया वीडियो के शुरू में ही दे दूं, ताकि क्या है कि आप समझ पाएं कि आप एलिजिबल हैं इस आपके क्या है कि अप्रेंटिसेस के लिए या नहीं। तो पहले बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या है कि आपके चार डिसिप्लिन क्या है कि आपके होने वाले, पहला आपका केमिकल है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, और चौथा क्या है कि आपका मैकेनिकल होने वाला है। तो आपके चार डिसिप्लिन आपके होने वाले हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिग्री हो आपके पास इंजीनियरिंग में इनमें से किसी भी एक आपके डिसिप्लिन में, यानी कि डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में इनमें से किसी भी एक आपका डिसिप्लिन में। और अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आपका क्या है कि तीन डिसिप्लिन है, पहला केमिकल है, दूसरा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और तीसरा क्या है कि आपका मैकेनिकल होने वाला है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास हो इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है आइडिया दे दिया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि आपने जो भी एजुकेशन, चाहे आप डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई करें चाहे आप डिग्री के थ्रू अप्लाई करें, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने 2018, 19 और 20 में ही पास की होनी चाहिए, तीन साल है 2018, 19 और 20 में ही क्या है कि आपने पास की होनी चाहिए। इसके अलावा और जो जानकारी है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इसके अलावा आपको मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार फिर से समझा दूंगा, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके अलावा और भी जो ढेर सारी जानकारी वो आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दिखता कैसे है। तो यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर क्या है कि OMPCL का क्या है कि लोगो बना है, उसके नीचे ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि फुल फॉर्म उसकी लिखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ लोगो आपका कलर है, उसके अलावा पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजों को क्या है कि ढंग से और अच्छी तरीके से क्या है कि समझा रखा है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं OMPL में होने वाली अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग से, और उसके बाद क्या है कि हम डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या है कि जो अप्रेंटिसेस होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें चार डिसिप्लिन है, पहला केमिकल है जिसकी 8 वैकेंसी है, दूसरा आपका है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी 3 वैकेंसी है, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसकी 2 वैकेंसी है, और चौथा आपका मैकेनिकल है जिसकी क्या है कि 4 वैकेंसी होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, वो भी इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में जो मैंने आपको डिसिप्लिन बताया, यानी कि डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसके अलावा ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग में जो आपकी सैलरी होगी, सैलरी सब सुनने में अच्छा लगता है, वो क्या है कि आपकी फिक्स होने वाली है 10,000 रुपए प्रति महीना। तो ये हो गई ग्रेजुएशन वालों के लिए बात। अब कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये आपका क्या है कि डिप्लोमा वालों के लिए होने वाली है। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या है कि आपके 3 डिसिप्लिन है, पहला केमिकल जिसकी सिर्फ 1 वैकेंसी है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसकी आपकी 3 वैकेंसी है, और तीसरा क्या है कि आपका मैकेनिकल है जिसकी क्या है कि 4 वैकेंसी होने वाली है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो आपके पास इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, यानी कि
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसके अलावा जो स्टिपेंड यानी कि भत्ता या सैलरी आप उसको कुछ भी कह सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए होने वाला है वो आपका 8,000 रुपए प्रति महीना क्या है कि होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ यानी कि कितने समय के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपका क्या है कि 1 साल यानी कि 1 ईयर क्या है कि आपका होने वाला है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। उनमें से पहली तो यह है कि आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी पास करी है वो आपने 2018, 19 और 20 में ही पास की होनी चाहिए। उससे पहले की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं है। आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी 18, 19 और 20 में ही क्या है कि पास की होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए यानी कि अगर आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अपना तो आप क्या है कि एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले किसी तरह की अप्रेंटिसशिप करी है वो भी अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 यानी कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 या फिर अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत अगर आपने पहले अप्रेंटिस या करी है या आप कर रहे हैं तो भी क्या है कि आप एलिजिबल नहीं होने वाले। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनके पास क्या है कि 1 साल या उससे अधिक का क्या है कि वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी क्या है कि एलिजिबल नहीं होने वाले हैं यानी कि कैंडिडेट जिनके पास 1 साल से अधिक का वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी क्या है कि आपके एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपकी जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें आपके पास मिनिमम क्या है कि 55% यानी कि 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। चाहे डिग्री के लिए आप अप्लाई करें चाहे डिप्लोमा के लिए मिनिमम आपके पास क्या है कि 55% एग्रीगेट मार्क्स क्या है कि होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपके लिए मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज क्या है कि 45% हो जाता है। नॉर्मल के लिए 55 है अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपके लिए 45। इसके अलावा एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए परसेंटेज रिड्यूस होकर हो जाता है 40% यानी कि एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम एग्रीगेट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में परसेंटेज चाहिए वो 40 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 45 है और बाकी जो सारे कैंडिडेट बचे उनके लिए क्या है कि 55% क्या है कि आपका मिनिमम होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के आधार पर क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या है कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू वगैरह किसी भी तरह का झंझट नहीं है। सीधा जो आपके इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर क्या है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने हमेशा की तरह वीडियो में आज एज लिमिट क्यों नहीं बताई क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एज लिमिट आपकी दी ही नहीं गई है। तो कुछ लोग बोलेंगे यार कि हम एलिजिबल हैं या नहीं एज लिमिट के हिसाब से। तो आपके पास अगर ये रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको बताई आपके पास है आपके पास अच्छे खासे मार्क्स हैं तो आप करिए सीधा अप्लाई क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है रिटन एग्जाम आपका नहीं है आपका इंटरव्यू नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो डिग्री या डिप्लोमा में जो मार्क्स हैं उसके आधार पर होने वाला है और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की आपकी क्या है कि एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं होने वाली और साथ साथ में इसमें एज लिमिट भी आपकी नहीं दी गई है कि आप कितने साल के होने चाहिए इस जो आपकी अप्रेंटिस है आपकी ओएमपीएल में निकली उसको अप्लाई करने के लिए यानी कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अच्छे खासे आपके पास मार्क्स हैं और जो आपने जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताया जैसे कि 18 19 और 20 में आपने पास की हो आपने पहले आपकी अप्रेंटिसशिप आपने नहीं कर रखी हो इसके अलावा आपके पास 1 साल से अधिक का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कीजिए इसको सीधा अप्लाई क्योंकि क्या है कि एप्लीकेशन फीस भी आपकी नहीं होने वाली और सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ आपका क्या है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री जो आपकी है उसके मार्क्स के आधार पर क्या है कि होने वाला है। तो ये तो बात हो गई ओएमपीएल में निकली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 की। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता दूं एप्लीकेशन आपकी क्या है कि स्टार्ट हो गई है 2 दिसंबर 2020 से यानी कि 2 दिसंबर 2020 से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है लेकिन घबराने की बात नहीं एप्लीकेशन आपकी चलेगी 1 जनवरी 2021 तक यानी कि नए साल का जो पहला दिन है वो आपका आखिरी दिन होगा क्या है कि एप्लीकेशन को सबमिट करने का। तो ये तो बात हो गई ओएमपीएल में निकली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। अब आपको करना यह है कि 1 जनवरी 2021 तो अभी काफ़ी दूर है तो आप सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए वहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं और आपको लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं इसको सीधा अप्लाई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक के नीचे मैंने आपको क्या है कि आपका अप्लाई का लिंक भी दिया तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप अपने आप को कर पाएंगे ओएमपीएल में निकली अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए रजिस्टर। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पर जो मैं वीडियो डालता हूँ वो काफ़ी कम है यानी कि इससे ज़्यादा नौकरियाँ आ रही हैं तो मैं मानता हूं कि काफी सारी नौकरियां आती हैं और सारी नौकरियों पर क्या है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं इसलिए क्या है कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक और कोरा पे मेरा फेसबुक और कोरा दोनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर मेरा पेज है जॉब एक्सप्रेस का पेज है
पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उन दो पेजेस पे जाके क्या है कि आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह कि इन नौकरियों की जो मैं वीडियो आपके डालता हूँ इस चैनल पे, इसके अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी डेली क्या है उन दोनों पेजेस पे करता रहता हूँ पोस्ट, तो दोनों में से कोई भी एक पेज आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी नई नई नौकरियाँ निकल रही है। उन पेजेस पे क्या है कि मैं रेगुलरली जॉब अपडेट आपका क्या है कि देता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। आपको अगर आज का वीडियो लगा अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।